ओम शांति। अंतिम स्टेज प्राप्त करने के लिए बाप दादा हम भाई बहनों को अंतिम पुरुषार्थ बताते, अशरीरी अवस्था का अभ्यास करो, बार बार खुद को देह से न्यारे, देह के पदार्थों से न्यारे, देह के संबंधों से न्यारे अनुभव करो, एक बाबा की याद की लगन में मगन रहो, एक बाबा के प्यार के सागर में समाए रहो, तो अंतिम पेपर में पास हो जाएंगे। जिसके लिए विशेष दादी गुलजार जी हम भाई बहनों को अटेंशन खिंचवाती, अगर बाबा हमारे मन में सदा याद रहे, दिल में समाया हुआ रहे, तो हम भी बाबा की याद में बाबा के समान बन जाएंगे। बस बाबा की याद भूले नहीं, क्योंकि हमारा कहना है कि बाबा और हम कंबाइंड हैं, बाप दादा हमारे साथ कंबाइंड है, तो अलग कैसे हो सकता है? और बाबा याद है तो ऑटोमेटिकली हमें बाबा समान अशरीरी बनने की स्मृति आती है। जितना बाबा से जिगरी दिल का प्यार होगा, उतना बाबा नहीं भूलेगा। जब बाबा की याद होगी तो आत्मिक स्वरूप की स्मृति भी जरूर होगी, और आत्मिक स्वरूप की स्मृति है तो अशरीरी स्थिति की भी अनुभूति जरूर होगी। तो सारे दिन में हम जब अशरीरी बनने चाहें तब बन सकते हैं, बन सकते हैं। मन बुद्धि संस्कार यह तीनों ही आत्मा की सूक्ष्म शक्तियां हैं, लेकिन हे मेरी, मैं इसका मालिक हूं। तो सारे दिन में बीच बीच में चेक करना चाहिए कि सचमुच मैं मालिक होकर मन बुद्धि संस्कारों को चलाने वाली हूं, इस स्थिति में स्थित रहती हूं। ऐसे ही मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा हूं, यह भी मंत्र मुआफिक नहीं जपो, इसका मनन करो। हम सिर्फ कर्मकर्ता नहीं है, कर्मयोगी हैं। कर्म और योग हमारा साथ साथ है। कर्मयोगी माना आत्मा करावनहार हो करके कर्मेंद्रियों से कर्म करा रही है। तो अगर हम यह मालिकपन की स्मृति रखते हैं कि मैं आत्मा मालिक हूं, मालिक होकर कोई भी कर्म करते हैं, तो हमारे कंट्रोलिंग पावर सदा रहती है, तो हमारे में कंट्रोलिंग पावर रहती है। मैं आत्मा हूं लेकिन कराने वाली हूं, कर्म करता हूं, इस स्मृति की आदत अगर होगी तो जब चाहें अशरीरी होना इजी लगेगा, क्योंकि राजा माना कंट्रोलिंग पावर और रूलिंग पावर, जैसे आर्डर से चलावें। अगर हमारी स्मृति में रहेगा कि हम स्वराज्य अधिकारी हैं, तो यह देह अपनी तरफ आकर्षित नहीं करेगी, अशरीरी माना शरीर भूल जावे। नहीं, लेकिन शरीर का मालिक होके शरीर से कर्म कराएं। अशरीरी माना भूल जावे नहीं, लेकिन शरीर का मालिक होकर के शरीर से कर्म कराएं। इसके लिए सारे दिन में बीच बीच में समय निकाल करके अपने आप को चेक करते, ड्रिल करते जाओ,
तो चेक और चेंज का लिंक जुटा रहने से आपकी भी लगातार कर्म योगी की नेचर बन जाएगी। कोई भी बात अगर बार बार की जाती है तो उसके लिए कहते हैं कि यह क्या बड़ी बात है। ऐसे ही अगर हम बार बार चेक करके उस कमी की जगह बाबा की शक्ति और याद से चेंज करते रहेंगे तो फिर कभी नहीं कहेंगे कि मुझे तो याद भूल जाती है, मेरा तो योग ही नहीं लगता, अशरीरी नहीं हो पाते। परंतु इसी बात को माया बार बार भूलवा के भूले कराती रहती है। यह बात सुने नहीं सुने, यह करें या नहीं करें, वो तो हमारे हाथ में है। बहुत काल के संस्कार बाधा डालते रहते हैं जिसके कारण निरंतर योग में अंतर आ जाता है। और जब एक सेकेंड में अशरीरी बन जाएं, वो नहीं हो सकेगा। अच्छा अच्छा या बुरा संकल्प चलाने की आदत होगी तो आप अशरीरी बनने की कोशिश करेंगे, वो संकल्प की आदत आपको संकल्प में ले आएगी। इसलिए बाबा समय प्रमाण यह डायरेक्शन बार बार दे रहा है कि जिस समय जिस कार्य के लिए सोचते हो, जिस कार्य के लिए जितना समय फिक्स करते हो, उतना समय में उस कार्य को पूरा एक्यूरेट करो। जिस समय जो काम कर रहे हो उस समय फुल वही अटेंशन हो, यानी जिस समय जो काम कर रहे हैं उसी में ही बुद्धि हो। योग और कर्म दोनों का बैलेंस रखो। कई कहते हैं कर्म करते कर्म में अटेंशन चला जाता है तो कर्म थोड़ा नीचे ऊपर हो जाता है। अगर काम करते हुए हम परमात्मा को याद करेंगे तो परमात्मा द्वारा हमको शक्ति मिलेगी, उस परमात्म शक्ति के आधार से आत्मा को याद तो आवेगी ही। तो आप सोचो हमारा काम अच्छा होगा या बुरा। कई कहते काम काज करते दिमाग चलाते तो याद भूल जाती है, लेकिन परमात्म याद से और अपने को राजा समझ के कर्मेंद्रियों से काम कराने में से काम अच्छा हो जाएगा, कोई नुकसान नहीं होगा, बाबा की शक्ति मिलेगी। तो अशरीरी बनने के लिए कोई भी चीज, शरीर को या बाहर की कोई भी हद की विनाशी चीज, हमारे मन को अपने तरफ खींचे नहीं। समझो मक्खी आई या कोई बात आई, लेकिन हमारे मन बुद्धि को वह बात खींचे नहीं। अच्छा मक्खी आई मैंने हटाया, हमारा मन क्यों हटे। मन हमारा मन मनाभाव, मन अगर बातों की आकर्षण में आ जाता है तो कहते हैं यह कर्म योग नहीं है, अशरीरी बनो। अशरीरी माना शरीर भूल जाए, इसका मतलब यह नहीं है, शरीर भान अपनी तरफ खींचे नहीं। बाबा से मन निकल करके व्यर्थ संकल्पों में अटक जाए, यह रॉन्ग है। काम करते हुए मैं बाबा की हूं, बाबा मेरा है, इस खुशी के अनुभव में रहे, कौन है और कौन मिला है, क्या दिया है उसने हमें क्या बनाया है। तो अशरीरी अवस्था का अनुभव करने के लिए
पहले यह सब चेकिंग करो, किसी भी प्रकार से समर्थ संकल्प नहीं दिया है, यानी जगह नहीं भरा है, तो मन कभी भी अचल नहीं होगा। बाबा कहते हैं मुरली है शुभ संकल्पों का खजाना, अगर व्यर्थ चलता है तो कम से कम पूरी मुरली नहीं तो। धारणा का सार वरदान और स्लोगन ही पढ़ लो, यानी बाबा की मीठी मीठी बातों को याद करो, ऐसी ऐसी विधियां अपनाओ तभी अशरीरी बन सकेंगे। लास्ट घड़ी हमारे को पास विद ऑनर का सर्टिफिकेट मिलना है, अभी तो कभी कैसे चल रहे हैं यह तो बाबा जाने और हम जाने, लेकिन लास्ट घड़ी जो आनी है उसमें अचानक चारों तरफ कुछ ना कुछ होता रहेगा। अंत के समय हर चीज अति में जानी है, तो ऐसे टाइम पर आपको एक सेकेंड अशरीरी बनने में लगे, और अगर हमारा चारों तरफ में से किसी भी तरफ अटेंशन अर्थात ध्यान गया तो पास विद ऑनर तो गया, फिर वो थोड़ी सेकेंड आएगा। इसलिए राजा अर्थात मालिक बन करके शरीर को मन को चलाओ, तो हमारी एम यही हो कि पास विद ऑनर होना है और माला का मणका बनना ही है, तो इतना निश्चय बुद्धि और नशे में रहेंगे, अभ्यास करते रहेंगे तो अवश्य होंगे। जो कल्प बीत गया उसमें मैं ही विजयी था, मैं ही हूं और मैं ही हर कल्प बनूंगा, ऐसा नशा होना चाहिए, और कौन बनेगा? हम नहीं बनेंगे तो इस नशे और निश्चय से पुरुषार्थ हो तो हमारा संकल्प बाबा पूरा नहीं करे, यह हो नहीं सकता। अहंकार से नहीं, रूहानी नशे से अगर हम इस निश्चय पर चलते हैं तो भगवान की हमें तो भगवान को हमें आगे रखना ही पड़ेगा। यह अभिमान नहीं लेकिन प्रैक्टिकल रूहानी निश्चय का रूहानी नशा होना चाहिए। दिल की मुस्कुराहट चेहरे पर आपे ही आती है, और वह हर्षित मुख चेहरा हमेशा सेवा का साधन बनता है। प्राप्ति वाली शक्ल कैसी होगी? खुशी हमारे जीवन की मिल्कियत है, इसलिए इसे कभी गंवाना नहीं चाहिए। कोई तो बीती हुई बातों को रिपीट करके परेशान होते रहते हैं, खुशी गुम हो जाती है, और खुशी गवाना माना हेल्थ वेल्थ हैप्पीनेस गवाना। खुशी जैसी कोई खुराक नहीं, खुश रहो और खुशियां बांटो, जितनी बांटोगे उतनी बढ़ेगी। अशरीरी बनने के लिए मन को बिजी रखने का ख्याल जरूर रखना, क्योंकि मन ही धोखा देता है, और दूसरा कभी शक्ल ऊपर नीचे नहीं हो। कुछ भी हो जाए चिंता करने से कुछ मिलने वाला नहीं है, सोचने से कुछ बन जाएंगे क्या? जो बीत चुका उससे क्या बनेगा? चिंता मिलेगी बस, और कुछ नहीं मिलेगा। तो यहां मधुबन से दृढ़ संकल्प करके जाओ, मुझे अपना चेहरा रूहे गुलाब जैसा रखना है। तो यही अंतिम समय का अंतिम स्टेज प्राप्त करने का पुरुषार्थ है, जो दादी गुलजार जी ने हम भाई बहनों को विशेष अपने अमृत वचनों में 29 नवंबर 2009 को सुनाए थे, जिसमें विशेष अटेंशन खिंचवाया। अशरीरी अवस्था का अनुभव करने के लिए मन कंट्रोल में हो तो बाबा से
मन कंट्रोल में हो, बाबा से जिगरी प्यार हो। अच्छा, तो ये थे दादी जी के अनमोल वचन हम भाई बहनों के लिए। अच्छा, ओम शांति।